हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पे। आज जो है हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ये जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस ऑन ए स्टैंडर्ड ग्लोब? यानी कि स्टैंडर्ड ग्लोब में टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितना होता है? हिंदी में हो ही गया, एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 175, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 181, ऑप्शन डी 190। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी 181 नंबर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, ये देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड? ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू। एक मिनट, हम पॉइंटर ले लेते हैं, पॉइंटर ले लेते हैं ताकि ठीक रहेगा। हाँ, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड? ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 180, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 45। तो इसका आंसर हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर थ्री है, पॉइंटर। हाँ, समतल में दो रेखाएं जो एक बिंदु पर कहीं नहीं मिलती है क्या कहलाती है? समतल में दो रेखाएं जो एक बिंदु पर कहीं नहीं मिलती है क्या कहलाती है? टू लाइन्स इन ए प्लेन डेट डू नॉट मीट एट ए पॉइंट एनीवेयर आर कॉल्ड भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, ऑप्शन बी समांतर रेखाएं ये पैरेलल लाइंस, ऑप्शन सी क्षैतिज रेखाएं यानी कि हॉरिजेंटल लाइंस, ऑप्शन डी मध्याह्न मध्याह्न मेरिडियन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पैरेलल लाइंस। इसका आंसर हो गया समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड्स? दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है, 180 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 540 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 111 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतरों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड इज 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 0 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 0 किलोमीटर, ऑप्शन सी का आंसर 0 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच की न्यूनतम दूरी जो है 0 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी है? द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड इज, ठीक है, तो ऑप्शन ए 125.3 किलोमीटर, ऑप्शन बी 140.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 150.4 किलोमीटर, ऑप्शन डी 111.3 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 111.3 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन ये है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों में होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कर्क रेखा डैश अक्षांश पर स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट विच लैटिट्यूड, यानी कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन से लैटिट्यूड पर जो है लोकेटेड है, स्थित है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, 23 होल 1/2 डिग्री साउथ, 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, 66 होल 1/2 डिग्री साउथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मकर रेखा डैश अक्षांश पर स्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज लोकेटेड एट डैश लैटिट्यूड। ठीक है, ऑप्शन ए 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन बी 23 होल 1/2 डिग्री साउथ, ऑप्शन सी 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन डी 66 होल 1/2 डिग्री साउथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 होल 1/2 डिग्री साउथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आर्टिक सर्कल कहाँ स्थित है। द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन 23 होल 1/2 डिग्री साउथ, 66 होल 1/2 डिग्री साउथ, 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ। द इसका आंसर हो जाएगा 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन नंबर सी 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहा है अंटार्कटिक सर्कल कहाँ स्थित है। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, 66 होल 1/2 डिग्री साउथ, 25 डिग्री नॉर्थ, 23 होल 1/2 डिग्री साउथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 होल 1/2 डिग्री साउथ, यानी कि 11 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 नहीं सॉरी 12 है। वह कौन सी तारीख है जब दिन और रात बराबर होते हैं। व्हाट इज द डेट व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल। 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 5 नवंबर एंड 16 अगस्त, 10 जनवरी एंड 25 दिसंबर, 2 जुलाई एंड 5 सितंबर। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च एंड 23 सितंबर, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात दोनों बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो है 13 है। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है हर साल समर सोलर्टाइस कब मनाया जाता है। वेन इज द समर सोलर्टाइस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। 25 जुलाई, 20 मार्च, 15 सितंबर, 21 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जून। आइए 21 जून पे टिक लगाते हैं। हर साल समर सोलर्टाइस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे जो है हर साल विंटर सोलर्टाइस कब मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च, 22 दिसंबर, 16 दिसंबर, 1 जनवरी। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि विंटर सोलर्टाइस हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। आइए 22 दिसंबर पे टिक लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है
निम्नलिखित में से किस दिन को बसंत विषुव कहा जाता है? बसंत विषुव कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज कॉल्ड द स्प्रिंग इक्विनॉक्स? 20 फरवरी, 25 अप्रैल, 5 मार्च, 21 मार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च। आइए 21 मार्च पे टिक लगाएं। 21 मार्च को जो है स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन? 125 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 140 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 150 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। आइए तो टिक लगा दें ऑप्शन बी पे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू, 360 डिग्री ग्रीनविच, 50 डिग्री ग्रीनविच, 160 डिग्री ग्रीनविच, 90 डिग्री ग्रीनविच। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री ग्रीनविच से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत का मानक मध्यान रेखा क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? 86 होल 1/2 डिग्री वेस्ट, 82 होल 1/2 डिग्री ईस्ट, 80 होल 1/2 डिग्री वेस्ट, 90 होल 1/2 डिग्री ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 होल 1/2 डिग्री ईस्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टैंडर्ड मेरिडियन मेरिडियन जो है इंडिया का 82 होल 1/2 डिग्री ईस्ट में होगा, ठीक है, यानी कि पूरब, 82 होल 1/2 डिग्री पूरब में होगा भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ कह रहा है पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक द अर्थ टू रोटेट 1 डिग्री? ठीक है, यानी कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 16 मिनट, 32 मिनट, 4 मिनट, 56 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट। पृथ्वी को जो है 4 मिनट लगता है 1 डिग्री घूमने में। तो आइए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 मिनट पे टिक मारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 है। ये 20 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? अमेजन, नील, गंगा, यमुना। तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। टिक थोड़ा गड़बड़ा गया, इसको अच्छे से टिक लगाते हैं, ठीक है, टिक में थोड़ा। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा नील नदी, ठीक है। तो आज हम 20 क्वेश्चन का सीरीज लेके आए थे, अब ये सीरीज खत्म होता है, ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।